का स्वागत है मेरे चैनल निहास किचन में। तो नवरात्रि की शुरुआत बस होने ही वाली है, तो इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना अपने व्यूअर्स के लिए कुछ ऐसी रेसिपी लाऊं जो इस व्रत पे वो आसानी से बनाकर खा सके। तो इस बार मैंने बनाया है साबूदाना का चीला। आप ये रेसिपी एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा और मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पहले आप ले लें 1 कप साबूदाना और उसे एक बार अच्छे पानी से धो लें और फिर उसे करीबन 1.5 कप पानी डालकर आप 4 घंटे के लिए सोख होने के लिए छोड़ दें। याद रखिएगा कि आप इसमें बहुत ज्यादा पानी मत डालिएगा। फिर आप ले लें 3 मीडियम उबले हुए आलू और उसे कद्दूकस कर लीजिएगा या फिर हाथ की सहायता से अच्छे से मैश कर लीजिएगा। याद रखिए कि इसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। और ये देखिए 4 घंटे के बाद जो साबूदाना है वो अच्छे से भीग चुका है। जब आप इसे उंगली से प्रेस करें तो ये अच्छे से मैश हो जाने चाहिए। अगर ऐसा ना हो रहा हो तो आप इसमें थोड़ा पानी डालकर इसे और भिगाने के लिए छोड़ दें। बाद में आप इसे मिक्सर बाउल में डाल दें और फिर इसमें 3/4 कप पानी डालकर इसे अच्छे से फाइन पेस्ट बना लें। और ये देखिए इसका एक फाइन अच्छा सा पेस्ट तैयार हो चुका है। मैं आपको अच्छे कैमरे के पास ला के दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें कोई भी दाना बचा हुआ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो चीला उसका अच्छा नहीं बनेगा। आप इसमें डालें 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 2 से 3 हरी मिर्ची, नमक, 2 बड़े चम्मच दही के और 1 इंच टुकड़ा अदरक का बारीक किसा हुआ। अब हम सारी चीजों को असेंबल करते हैं। तो पहले आप पीसे हुए साबूदाना में डाल दें हमारा अच्छे से मैश हुआ हुआ आलू। ये चीला मैं जब भी फास्ट रखती हूँ तो जरूर बनाती हूँ क्योंकि ये खाने में बहुत अच्छा भी लगता है और काफी हेल्दी भी होता है। इसे खाने के बाद ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगती है और मेरे घर में भी सबको बहुत पसंद है। तो इसमें आप सारे हम काली मिर्च का पाउडर, नमक और हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, चाहे तो आप लाल मिर्च का पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं, ये बिल्कुल आपकी मर्जी है। साबूदाना की आप कोई भी रेसिपी बनाए, चाहे वो साबूदाना वड़ा हो, साबूदाना का चीला हो या साबूदाना की खिचड़ी हो, आप उसमें काली मिर्च, अदरक और हरी मिर्च जरूर डालिएगा क्योंकि वो साबूदाना के लिए जान होती है। तो आप जो भी रेसिपी बनाएं उससे उसका टेस्ट दोगुना हो जाता है। तो ये देखिए आप अच्छे से सब मसाले डालने के बाद इसे मिक्स कर लें और फिर उसमें आप पानी डालें। हमें इसे जैसे हम डोसा का बैटर होता है बस उसी टेक्सचर का हमें इसका बैटर रेडी करना है। तो पानी आप एक साथ बिल्कुल ना डालें, इसमें धीरे धीरे कर कर ही डालें। पूरा डिपेंड करता है कि साबूदाना की क्वालिटी कैसी है। किसी साबूदाना में कम पानी लगता है तो किसी साबूदाना में ज़्यादा पानी लगता है। और ये देखिए बस जैसा डोसे का बैटर होता है उतना ही पतला हमें इसे बनाना है। मेरे घर में ये चीला मेरे बच्चे को बहुत पसंद है, तो फास्टिंग हो या ना हो मैं इसे उसके लिए हमेशा बनाती हूँ क्योंकि ये खाने में बहुत कुरकुरा होता है और उसे साबूदाना बहुत पसंद है और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। बस इसमें जो साबूदाना है उसे भिगा के रखना ज़रूरी है और बाकी ये बहुत ही जल्दी बनता है। तवे को मीडियम फ्लेम में रखें और उसमें 1 या 2 चम्मच घी या तेल आप डाल दें। याद रखिएगा कि आप इसे नॉनस्टिक तवा पे ही बनाइएगा। आप इसे कोई रोटी का तवा या लोहे का तवा है उस पे बिल्कुल भी मत बनाइएगा क्योंकि साबूदाना और जो आलू होता है वो काफ़ी स्टिकी होते हैं तो वो तवा से चिपक जाएगा। इसलिए याद रखिए नॉनस्टिक तवा ही यूज़ करिएगा। और ये देखिए जो बैटर रेडी था, बस जैसे हम डोसा डालते हैं तवा पे आप वैसे ही इसे डालिए। आपको छोटा बनाना है तो आप छोटा बना सकते हैं या फिर जैसे मैंने मीडियम आकार का इसे बनाया है, चम्मच की सहायता से आप इसे फैला लें। अगर आपको बहुत क्रिस्पी चाहिए तो आप जो फ्लेम है उसे लो कर दीजिएगा, नहीं तो मीडियम आंच पे इसे 10 मिनट पकने दें। और चलिए हम देखते हैं इसके साथ खाने वाली मूंगफली की चटनी। ये चटनी मेरी बहुत ही फेवरेट है। तो इसमें मैंने ले लिया है 1/2 कप रोस्टेड मूंगफली और उसमें 1 से 2 हरी मिर्ची, 2 इंच टुकड़ा अदरक का, 1/2 छोटा चम्मच जीरा का डाल दें। अगर आप जीरा नहीं खाते हैं फास्टिंग में तो बिल्कुल मत डालिएगा। नमक, सेंधा नमक या फिर नॉर्मल जो नमक है वो डाल सकते हैं। और फिर इसमें मैंने डाल दिया है 1 मुट्ठी अच्छा हरा धनिया,
ये चटनी आप जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी होती है। और फिर इसके साथ आप डाल दें 3 से 4 बड़े चम्मच दही के, और बस इसे अच्छा मिक्सी में आप पीस लें, एक फाइन पेस्ट बना लें और हमारी चटनी जो है वो रेडी है। और ये देखिए चीला के साथ खाने के लिए बहुत ही अच्छी चटनी बन गई है। और इधर जो चीला है वो एक साइड से पककर अच्छे से रेडी हो चुका है। देखिएगा जब ये एक साइड से रेडी हो जाता है तब ये कॉर्नर से अच्छा क्रिस्पी ब्राउन हो जाता है। तब आप इसे धीरे से पलट कर दूसरे साइड से भी 10 से 15 मिनट के लिए पका लें। और ये देखिए जो चीला है वो दोनों साइड से अच्छे से पककर रेडी हो चुका है। आप इसे चटनी के साथ, जो हमने पीनट की चटनी बनाई है उसके साथ, या दही के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। तो साबुदाना चीला की ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।